बताइए आप अपने बारे में, क्या यहाँ पर किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और किस तैयारी के पीछे किस तरह का मोटिवेशन आपको मिलता है? सर, मैं यहाँ पे अपने एग्ज़ाम नेम सेट की तैयारी कर रही हूँ, जो कि MCA में एडमिशन, NIT में एडमिशन लेने के लिए होता है। मेरी क्लासेस होती थी घर पे करती थी जब मैं, तो इतना कंसंट्रेट नहीं बैठ पाता था, और अब मैं यहाँ आके कर रही हूँ तो यहाँ का नेट का कनेक्शन भी अच्छा है, तो मेरी क्लासेस बीच में रिकनेक्ट नहीं करनी पड़ती, मुझे पॉज नहीं होती, रेगुलरली चलती रहती है। और मैं, आपके पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे? मेरी मम्मा ने MA किया हुआ है और पापा ने भी। जब उन्होंने MA और BA किया है, कि आपकी कभी उनसे बात हुई है, कभी उन्होंने भी किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़ा है, उन्होंने कहाँ बैठ के पढ़ा है? उनके टाइम पे ये फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। हाँ, अच्छा, ये जो आपको फैसिलिटी लाइब्रेरी की मिली है, ये फैसिलिटी के बाद नज़रिया आपका डेवलप हुआ है या आपने पहले भी कभी सोचा है कि कोई अलग सा प्लेस होना चाहिए? मेरा घर पे भी एक अपना रूम था जिसमें मैं बैठ के पढ़ती थी, पर वहाँ पे भी डिस्टरबेंस होता था, पर यहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं होता, ये मैंने यहाँ पे एक अलग चीज़ देखी है। इस लाइब्रेरी को अल्टीमेट क्या कहना चाहते हैं? मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है ये लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी? तक्षशिला लाइब्रेरी। यस, क्या कहना चाहेंगे सर? एक तो सर, इस लाइब्रेरी का माहौल बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जब भी लाइब्रेरी की बात करें तो मेंशन कीजिए नाम, कौन सी लाइब्रेरी? तक्षशिला लाइब्रेरी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जो यहाँ पे बच्चों की सुविधा के अनुसार पानी की सुविधाएं बहुत अच्छी है, गर्मियों में AC वगैरह की सब सुविधाएं सारी अच्छी है बच्चों के हिसाब से। और एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका किस तरह का बर्ताव आपको लगता है, उनका कैसे वॉच करते हैं, कैसे वो आप पे नज़र रखते हैं, किस तरह से आप उनको उनसे सपोर्ट लेते हैं? मैनेजमेंट के व्यवहार की वजह से ही ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी चल रही है, और एक बच्चों को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होना, वो तब किसी भी सुविधा को लेकर सब सुविधाएं बच्चों को मिलती हैं। हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस तक्षशिला लाइब्रेरी? मिस रश्मि कुमारी। एंड नीतू बटार? नीतू बटार सर, ओनर। ओके। किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए डेडिकेशन, कंसंट्रेशन के साथ साथ एक स्टडी की आवश्यकता होती है, और वो कंसंट्रेशन कहाँ मिलता है, उसी को इस हाईटेक वर्ल्ड ने एक नया रूप दिया है, और अलग अलग तरह से स्टडी हॉल खुले हैं जिनको लाइब्रेरी का नाम दिया है। और आज हम लोग रामपुर मनिहारान में जो एक तक्षशिला लाइब्रेरी है, और जिसको यहाँ के सर्वे के मुताबिक बताया गया है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी इन रामपुर मनिहारान, ऑल द स्टूडेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट विलेजेस कम हियर एंड सिंक इन टू देयर स्टडी, एंड दिस इज़ द location and this is the situation of this library, where all the students, all the candidates, all the competitors are sinking into their study, and during the study they been watching their destination and their places in their words, in each and every word. एंड ये एक मुहिम है एन एक्सप्रेस चैनल की। अपनी मुहिम के तहत हम अभी सभी स्टूडेंट से, सभी कैंडिडेट से जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द सिग्निफिकेंट ऑफ तक्षशिला लाइब्रेरी, विच इज़ रियली वेरी रेप्यूटेड एंड वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी ऑन द लैंड ऑफ रामपुर मनिहारान। वेलकम सर, आप बताइए ये तक्षशिला लाइब्रेरी को चुनने की वजह क्या है सर? देखिए, ज्ञान का प्राथमिक आधार होता है सबसे पहले ध्यान, और ध्यान का होता है वातावरण। सबसे पहले अगर जहाँ वातावरण अच्छा होगा वहाँ ध्यान अच्छा लगेगा, ध्यान अच्छा लगेगा तो उसके तुरंत बाद ही माइंड सेट हो जाएगा पढ़ाई के प्रति, इसलिए ही यहाँ वातावरण बड़ा अच्छा है, इसलिए तक्षशिला चूज करने का एक प्राथमिक कारण है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण अच्छा है, क्या आप दूसरी लाइब्रेरीज में भी आपने एंट्री की है, क्या डिफरेंस लगा है तक्षशिला में और दूसरी लाइब्रेरीज में? देखिए, सब अपनी ओर से अच्छा ही बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वे भी अपनी जगह अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं यहाँ, लेकिन वातावरण बड़ा सफिशिएंट है, बड़ा अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। ओके।